हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी फैट 32, NTFS और AXFAT के बारे में सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं ये होता क्या है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? आइए हम बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझते हैं। मेरा नाम है सोहेल और आप देख रहे हैं हाईटेक एक्सपर्ट चैनल। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये FAT32, NTFS और AXFAT जो सिस्टम है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डेटा स्टोरेज के लिए यूज होती है। जैसे हम अपने खुद के डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, हमें डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए कोई फाइल्स का यूज़ करते हैं, फोल्डर्स का यूज़ करते हैं, किसी अलमारी का यूज़ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना डेटा को स्टोर करने के लिए एक फाइल सिस्टम का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम जो है वो मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है FAT32, जिसका फुल फॉर्म है फाइल अलोकेशन टेबल 32। ये मेनली इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में, जो बिल्कुल एक यूनिवर्सल एक फाइल सिस्टम है जो सभी कंप्यूटर्स के अंदर, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये मेनली यूज होता है। अगर इसके ज़्यादातर यूज़ की अगर बात की जाए तो वो आपके मेमोरी कार्ड, आपके माइक्रो SD, SDXC और आपकी पेन ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर मेनली यूज होता है। लेकिन उसकी लिमिटेशन होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 GB तक की फाइल को एक वक्त पर कॉपी कर सकता है। अगर 4 GB से ज़्यादा की अगर वो फाइल होगी तो वो आपकी कॉपी नहीं कर पाएगा। उसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए ज़्यादातर मोस्ट ऑफली अभी जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं विंडोज, उसके अंदर चलने वाली जो एक फाइल सिस्टम है वो है NTFS। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो विंडोज NT के साथ जो है वो लॉन्च हुई थी 1993 में। जी हाँ दोस्तों, ये FAT32 से पहले ये लॉन्च हुई थी, फिर भी ये जो है वो अभी तक बिल्कुल सक्सेसफुली चल रही है और उसकी जो है वो 4 GB तक की लिमिटेशन जो है वो उसमें बाद नहीं बनती है। मतलब ये 16 TB तक की सिंगल फाइल को वो एट अ टाइम कॉपी कर सकती है। ये जो ज़्यादा सिक्योर है, इसके अंदर डेटा आप कंप्रेस कर सकते हो, इनके अंदर एनक्रिप्शन लगा सकते हो और FAT32 की जितनी भी खूबियाँ हैं वो इसमें आ जाएगी और जितनी खामियाँ हैं उसको ये कवर कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद 2004 के अंदर एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च की गई, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दोस्तों, सो फाइल सिस्टम जो है EXFAT, जिसको XFAT भी कहते हैं। XFAT का अगर फुल फॉर्म देखें तो एक्सटेंडेड FAT, फाइल अलोकेशन टेबल, ठीक है। ये जो है वो FAT32, NTFS, ये दोनों को कॉलअप करके एक नई फाइल सिस्टम बनाई गई, जिसके अंदर आप 128 PB तक आप डेटा फाइल वन टाइम कॉपी कर सकते हो। और जितनी भी जो प्रोसेस है, ठीक है, NTFS की और FAT32 की, वो सभी जो है वो सुविधाएं EXFAT में आपको मिल जाती है। EXFAT जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इतना पॉपुलर अभी नहीं है, ज़्यादातर जो है वो 32 GB या उससे ज़्यादा के जो फ्लैश ड्राइव्स या मेमोरी कार्ड्स होते हैं उसके अंदर वो यूज होता है, जो ज़्यादातर कैमरा में या फ़ोन में उसको यूज कर सकते हो। दोस्तों, ये बिल्कुल मैंने ब्रीफ में आपको समझाया कि ये फाइल सिस्टम्स क्या होती है, फाइल सिस्टम कैसे यूज़ करती है, उसकी खूबियाँ क्या है, खामियाँ क्या है। अगर उस इसमें कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आई हो और अगर किसी चीज़ के बारे में आपको उससे ज़्यादा जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए एक बेहतरीन एक दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आपके दोस्तों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच।